पहले प्यार की बोली फिर बंदूक की गोली। तो अब उसी भाषा से समझाऊंगी जो भाषा इसके बब्बन को समझ में आए। बब्बन का सच आया नीरजा के सामने, दीदून बनी नीरजा की ढाल, दिया प्रतिमा को वचन। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी शो नीरजा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में हम यह देखेंगे कि नीरजा को अब बब्बन पर शक हो चुका है, जहां पर नीरजा को लगता है कि दाल में कुछ और काला ही है। इसलिए ही तो बब्बन का ऐसा व्यवहार नजर आ रहा है, जिसलिए नीरजा एक बड़ा कदम उठाती है और अबीर को कैसे भी करके होटल में भेज देती है, जिसके बाद नीरजा खुद ही बच्चे को ढूंढने में लग जाती है। वहीं दीदून और प्रतिमा नीरजा को ढूंढने में लगते हैं और बब्बन की माँ से पता चलता है बब्बन के बारे में, और पता चलता है कि बब्बन और नीरजा दोनों पूरी में हैं, जहां पर दीदून और प्रतिमा दोनों पूरी जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी दीदून मना कर देती है प्रतिमा को पूरी जाने के लिए और प्रतिमा से ये बड़ा वादा करती है कि अब कैसे भी करके दीदून नीरजा को वापस लेके आएगी और नीरजा की जान बचाएगी, जहां पर नीरजा के लिए दीदून एक बड़ा कदम उठाती है और नीरजा को ढूंढने के लिए चल पड़ती है। फिर दीदून को मालूम हो चुकी है बब्बन की चाल और अब दीदून बन चुकी है नीरजा की ढाल। अब दीदून कैसे भी करके बचाएगी नीरजा की जान। वेल, क्या लगता है आपको, क्या वाकई ही प्रतिमा को दिया वादा पूरा कर सकेगी दीदून? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं जो कुछ भी है आपकी राय, और साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।